रिजवान अगर 45 से 45 बॉलें खेलेगा, 45 रन्स करेगा, तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा। 19 डॉट बॉलें हैं 6 ओवरों में पहले। अब खुद सोचें, जब आप इतनी डॉट बॉलें खेलेंगे पहले दायरे में, तो आपको मुसीबत पड़नी पड़े। दूसरी बात यह कि बैट सिलेक्शन, दोनों कप्तानों ने पूरी कोशिश की हम ऐसी बुरी सिलेक्शन करें, रोहित शर्मा और बाबर आजम। क्या हो क्या है? मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ। वही लड़के आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। वो फील्डर वही खड़ा करते हैं, आते शॉट, वो जाहिर सी बात है, वो सेटअप करते हैं फिर उसको। पहले रिजवान का सवाल चल रहा था। रिजवान का ये कि उनका जो खेलने का स्टाइल है यही है कि पिच थोड़ी सी बैट के ऊपर बॉल तो जैसे मोइन ने कहा आ रही थी, लेकिन थोड़ा। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। डेफिनेटली मैच काफ़ी फंस गया था थोड़ा सा, हालांकि 4 ओवर में 40 रन बनते हैं और भारत में मतलब ऐसे मैच आपने काफ़ी देखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन टेंशन में तो ज़रूर आए होंगे आप, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच था और किसी भी हालत में हम हारना नहीं चाहते हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद। पहले दायरे में तो आपको मुसीबत पड़नी पड़े। दूसरी बात यह कि बैट सिलेक्शन, दोनों कप्तानों ने पूरी कोशिश की हम ऐसी बुरी सिलेक्शन करें, रोहित शर्मा और बाबर आजम ने, कि टीम ठीक सेलेक्ट ना करें। उन्होंने ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया, हमने इफ्तिखार को डाल दिया कहाँ पे, चौथे नंबर पे। नो डिसरिस्पेक्ट टू इफ्तिखार और नो बडी, मतलब आप खुद सोचें कि मैं बार-बार कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, बाबर आजम ओपन ना करे। बाबर आजम वन डाउन आए और वहां से इनिंग्स एंकर करता हुआ ले जाए आगे। फखर और रिजवान ओपन करें, ठीक है। रिजवान को भी चाहिए कि यार जब तक भाई T20 में 45 से 45 रन कोई नहीं करता, सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह विराट कोहली ने 35 पे 35 कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? उधर का रिजवान विराट कोहली, हमारा रिजवान रिजवान, ये दोनों ने एक जैसी सिमिलर इनिंग्स खेली है। क्रिटिसिज्म इसलिए कहता हूँ कि देखिए, क्रिटिसिज्म इसलिए कहता हूँ कि दोनों ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली आज, और पाकिस्तान ने बैटिंग ऑर्डर में बहुत मैसअप किया, कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए बॉल तेज़ आ रहा है, आप मैनेज करते हैं, मैनेज नहीं किया उन्होंने। दूसरी बात, सिलेक्शन ठीक नहीं की। इफ्तिखार की चौथे नंबर बहुत क्रूशल पोजिशन होती है, इधर हमने इफ्तिखार भेज दिया, उन्होंने जडेजा भेज दिया। तो आप खुद सोचिए कि कितनी गलत हरकत है। सूर्य कुमार यादव पड़ा हुआ है, ऋषभ पंत है, उनको सेलेक्ट नहीं किया, फिर हार्दिक पांड्या है, को आपको पता है चौथा पांचवा छठा ये फिनिशर होते हैं, और यहाँ पे आपने आसिफ अली को, शादाब को ऊपर भेज दिया, आसिफ अली को नीचे कर दिया। यार आप कर क्या रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई क्या किसके कप्तानी कर रहा है बाबर आजम। बहरहाल जो मैंने यहाँ चीज़ें देखी हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतने, देखें ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और लड़कों की अपनी जिम्मेदारी है, और भाई गर्मी है, 4 लीटर पानी पी लो। आज फिटनेस की वजह से नसीम शाह वो छक्का खा गया, अदरवाइज नसीम शाह मैं आपको बताऊं इज़ अ फ्यूचर स्टार, लेकिन उनको अपनी फिटनेस पर तवज्जो देनी होगी। रीज़न वाई कि उनका जो निचला हिस्सा धड़ बड़ा है और टांगें उनकी छोटी हैं, और आखिर में आके वो पिवट करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी होती है, और प्लस गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको रिहाइड्रेटेड होना पड़ेगा, और ये पर्सनल जिम्मेदारी होती है आपकी। दूसरा, येट अगेन आई रियली थिंक दैट यू नो कि इट्स अ रियली रियली बैड कैप्टनसी फ्रॉम द बोथ साइड, रियली बैड फील्डिंग बाय फखर जमान एंड बोथ पार्टीज एंड इंडिया एट द सेम टाइम। आज मुकाबला था कि आज दोनों में से हारना किसने। इंडिया ने पूरी कोशिश की, हम बड़े हैं जी, हम 1.6 बिलियन लोग हैं, बड़ा बोल के हम कोशिश करते हैं हम हारने की, लेकिन इंडिया कामयाब ना हो सका इस कोशिश में। सोचें अगर हम बैटिंग ऑर्डर अपना ठीक भेजते, सोचें बाबर वन डाउन आता, फखर पहला दायरा, क्योंकि अगर फखर, जब फखर तेज़ खेलता है तो क्योंकि रिजवान को स्पोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि उसने घूम के खेलना होता है, और जो भी कोई बंदा T20 में ओपन करेगा 20 ओवर मिलेंगे उसको, तो वो तो कोई भी स्कोर बना सकता है यार। 3-2 दायरे हैं, एक दायरा है, और मज़े 6 ओवर का दायरा है, आप जितने मर्जी रन करें यार, ये तो कौन सी बड़ी फनकारी की बात है। बाबर नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वन डाउन आके वहाँ से 6 से लेके 15 तक इनिंग्स को बिल्ड करें, फिर वहाँ से आसिफ अली आता है, जिस तरह भी एक बैटिंग ऑर्डर आता है, खुशदिल छाया पड़ा हुआ है, शादाब को भेजने की क्या जरूरत थी ऊपर, मुझे कुछ समझ ही नहीं है इस चीज़ की। और पीछे ऋषभ पंत खड़ा हुआ है, हमने
उसको ड्रॉप करके माशाल्लाह सूर्य कुमार यादव खड़ा हुआ है, तो माशाल्लाह आपने जडेजा को भेज दिया 35/35 करके, वो भी आउट हो गए 29/35 किया, कौन सी बड़ी बात है अगेन। बट आई एम सेइंग कि यू नो इट्स अ रियली रियली बैड क्रिकेट। और अच्छा अल्लाह के इतना अच्छा विकेट था लेंथ बॉल के लिए, जो बॉलर लेंथ बॉल कर रहा था वो विकेटें ले रहा था, और लेंथ बॉल ही करनी चाहिए थी। और दूसरा पाकिस्तान ने कैलकुलेशन की नहीं कि आखिरी ओवर नवाज का रह जाता है, वो उसको 17वां ओवर कराना चाहिए था वहाँ पे, अगर नवाज खैर 10 रन भी दे जाता तो कोई मसला नहीं। इतनी ऐसी पिच नहीं थी अनप्लेबल, या ऐसी पिच हमने कभी देखी ना T20 में, मेरा ख्याल इट वाज दोनों के लिए आप खेल नहीं पाए दोनों टीमें, क्योंकि बाद में भी बॉल सीम हो रहा था, हमने जब बॉल की उस वक्त भी गेंद तो हिला है, लेकिन उन्होंने भी रन तो कर दिए ना। एग्जैक्टली रन उन्होंने बिल्कुल किया। आप जो राशिद भाई आपके लिए मेरे पास सवाल है वो ये है, हम अपने मिडिल ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा दफा हमने बात की, मैंने आपके साथ जितनी दफा हम प्रोग्राम पे बैठे हैं आज तक, हम कोई एक फाइनल शेप हमारे पास नहीं आई अपने मिडिल ऑर्डर की। उसमें हम फखर की बात करें, इफ्तिखार की बात करें, खुश दिल की बात करें, मैं आसिफ की बात करना चाहता हूँ, हर दफा वही सेम शॉट सेम जगह पे कैच आउट, क्या हो क्या रहा है? मैं सीरियस ही जानना चाहता हूँ, वही लड़के आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर वो फील्डर वही खड़ा करते हैं, वो जाहिर सी बात है वो सेटअप करते हैं फिर उसको। पहले रिजवान का सवाल चल रहा था, रिजवान का ये कि उनका जो खेलने का स्टाइल है यही है कि पिच थोड़ी सी बैट के ऊपर बॉल तो जैसे मोइन ने कहा आ रही थी, लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ लग रही थी, क्या मतलब कि एक्स्ट्रा बाउंस नजर आ रहा है उसके ऊपर। वो 15वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हुए, 96 स्कोर था। अब वो अगर PSL अगर देखते हैं ना, कैलकुलेशन करें तो 14 से 15 ओवर में 100 बनते हैं वहां पे, उस लिहाज से आपकी विकेटें गिरना शुरू हुई, 6 विकेटें उसके बाद गिर गई। तो उसने अपना काम किया लेकिन उनको स्पेस नहीं मिली उसके बाद, क्योंकि उसी ओवर में खुशदिल शाह भी आउट हो गए। खुशदिल शाह के बाद फौरन आसिफ अली आउट हुए, नवाज आउट हुए, शादाब आउट हुए, फिर नसीम आउट हो गए। तो 6 जो विकेट गिरी है आपकी लास्ट 5 ओवर में, 30 बॉलों में 6 विकेट गिरी है यार, तो मैं ब्लेम रिजवान को नहीं करूंगा। रिजवान और बाबर दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि रिजवान छोटे पांव से खेलते हैं जिसकी वजह से रन करते हैं, वो बाबर वेट करते हैं बॉल का और वो इस वजह से ज्यादा रन करते हैं। और हार्दिक पांड्या का देखिएगा फ्रंट फुट पे गए नहीं वो, तो ये पिच थी असिस्ट करने वाली, बॉल का वेट करने वाली, कट पे रहेंगे या स्पिनर को आप बैक फुट पे आके मिड विकेट मारेंगे जिस तरह हार्दिक पांड्या ने खेला। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं, हमारे बैटर्स आगे की तरफ खेल रहे हैं, उनके जो अपर साइड थी वो आगे की तरफ थी, तो वो एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से थोड़ा सा इश्यू जरूर आया। लेकिन जहां तक रिजवान का देखते हैं 14.1 ओवर में 96/4 चौथी विकेट गिरी है ये, उसके बाद देखें ट्रेल गिर गई पूरी, डोमिनो इफेक्ट जिसके yes, बाद yes, आप जरा मिडिल ऑर्डर वाली बात थी उसके गिरा दिए मैंने आज तक सेट क्यों नहीं कर पाए हम, आप सारे फॉर्मर स्केपर्स बैठे हैं, क्यों नहीं सेट हुआ ये आज तक? नहीं देखें उसमें मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो प्लेयर मिडिल ऑर्डर के अंदर इंतजार कर रहे थे पिछले 2-4 सालों में, जिनकी बातें की जा रही थी कि मोहम्मद हफीज और शुएब 40 साल के हो गए हैं छोड़ के चले जाएं, आई एम हैप्पीली डन विद माई क्रिकेट, मैंने जो कर सका किया, लेकिन जो 4-5 साल से बच्चे या लड़के या हमारे वो लोग जो बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे, जब उनको मौका मिले और वो ना अपनी परफॉर्मेंस लेते हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। और मुझे सबसे बड़ा इशू ये है कि जब कोई लड़का बाहर होता है और दोबारा जब वो वापिस आता है तो उसकी जो रेक्टिफाई होनी चाहिए इशूज जिसके ऊपर वो बाहर हुआ है वो कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे अभी स्ट्रेंज सिलेक्शन है हसन अली को लेकर, ही इज अ वंडरफुल बॉलर, लेकिन जिस तरह उनको बाहर किया गया ये कह के कि जी हम चाहते हैं वो मेंटली थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा अपने आप को रीगैदर करें फिर वापस आए, ऐसी कड़ी शायद उन्हें घर बह के सेट कर ली थी विदाउट प्लेइंग अ गेम कि उसको 4 दिन या हफ्ते के बाद आपने दोबारा ले लिया, मेरा अप्रूवल नहीं मिली शायद, मेरा डाउट है जब पहुंचे उसके बाद परमिशन मिलती है आपको एक प्लेइंग 11 के लिए। हमारा एक प्लेयर है उसने पाकिस्तान के सिस्टम को बीट किया, कामरान गुलाम की मैं बात कर रही हूं, उसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन किए, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते ना वनडे में ना T20 में ना टेस्ट में। बिल्कुल जो आपके सिस्टम को बीट कर रहा है वो चंगा नहीं गा, और जो फर्स्ट क्लास के अंदर खेलते नहीं वो चंगा हो गया। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मुझे ये लगता है कि हमें अपने सिस्टम बीटर्स को जो हमारे प्रोवाइडेड मैचेस हैं जो उसमें बीट करे जो उसको परफॉर्म करे हम इसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि हम मिडिल ऑर्डर के अंदर चाहते क्या हैं, हम सीधा चाहते हैं कि जो तो चल गया कि उस दिन पता नहीं है कर देगा, या वी नीड समवन जिसके ऊपर हम बैंक कर सके कि इफ ही इज देयर ही इज गोना परफॉर्म, या फिर हमारा माइंडसेट ये है यार मार लेना ठीक है तो रख लो कोई मसला नहीं है। ये भी हमारा सोल्यूशन मांगा कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास प्रूवन
प्लेयर्स मौजूद हैं जो सिस्टम को बीट कर रहे हैं, जो सिस्टम में टॉप कर रहे हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। अगर हम उनको लेके आएंगे दे विल परफॉर्म बेटर। एग्जैक्टली, इसमें सिलेक्शन में एक वीक लिंक नजर आ रहा है कि ऐसी पिच मिल जाए तो ऑलराउंडर पेस बॉलर कौन था आपके पास? राणा साहब मेरे ख्याल से फिर राणा साहब को ले आते हैं, वो बॉलिंग भी ठीक कर लेते हैं वक्त पर बैटिंग भी कर लेते हैं। ऐसी पिचेस के ऊपर आपको शायद, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी ज्यादातर गलती होती है, यहाँ पे होना चाहिए था। ये तो आपकी मॉडल है। अगर ना यहाँ पे अगर स्पिनर, दो स्पिनर ऑलराउंडर खेल रहे हैं, जडेजा दो ओवर कर रहा है, वन ऑफ द ग्रेट में आता है वो बॉलिंग में, लेकिन वो दो ओवर कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि एक पेसर होना चाहिए था। जैसे हार्दिक पांड्या दो तीन ओवर करता है, चार ओवर कम, अब फिटनेस के बाद शुरू किए उन्होंने, लेकिन यहाँ पे मे भी 16 में होना चाहिए था या 15 में, जो भी टीम है उसमें होना चाहिए। एक और बात करना चाहता हूँ, फिटनेस प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राशिद भाई ने सारी क्रिकेट खेली, मोइन भाई ने खेली, मैंने जितनी खेली, सना ने अपने लेवल के ऊपर जितनी माशाल्लाह पाकिस्तान की सर्विसेज की, हर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है अपनी फिटनेस का। उसको किसी पे ब्लेम कर देना जी ट्रेनर होते गुस्सा कर लो, वो फिजियो अच्छा नहीं है, एवरीवन इज वर्किंग वेल। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ। एक मुझे नसीम के ऊपर सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हजी और 19 साल का होया नहीं, 5 बड़ी इंजर्ड हो गया। इट्स नॉट राइट, देयर समथिंग रॉन्ग विद हिम, मे बी सेल्फ मैनेजमेंट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। हम कब तक ब्लेम करेंगे सिस्टम को कि सिस्टम उसकी लुक आफ्टर नहीं कर रहा? भाई तो पहले अपने लुक आफ्टर खुद तो कर। अगर कोई बंदा 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में भी फिट है और वो खेल रहा है, हमें वो पसंद नहीं है। जो 19 साल में फिर 19 साल देगा दो देखो चार ओवर होंगे नहीं पे, ठीक है, समथिंग रॉन्ग। द पॉइंट्स टेकन, द पॉइंट्स टेकन। क्या कर नसीम जल्दी में? नहीं नहीं जल्दी में नहीं। नसीम शाह का थोड़ा ये है कि जब अंडर 19 से आए इनका एक्शन मिक्स था, इनको फिर साइड ऑन कराया गया है। अगर फुटेज देखते हैं अंडर 16 में, ये बिल्कुल वेस्ले हॉल टाइप के बॉलर थे, और जितने भी काम किया है बड़ा परफेक्टली किया है, एनसीए में हुआ है, प्राइवेट हुआ है, इनका एक्शन बहुत अच्छा किया, मॉडिफाई किया, लेकिन इनका टाइम होता है, 6 महीने तक बड़ी क्रिकेट नहीं खेलनी है आपको, वो बीच में ही खेलने आ गए, वो बीच में ही पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी की और वहीं पे वन फिट हो गए। एक टाइम, सर्टेन टाइम होता है कि एक्शन मॉडिफाई के बाद 6 मंथ आपको बॉलिंग करनी है, कहीं पे भी एनसीए में करें या क्लब क्रिकेट खेलें, ये टू अर्ली आ गए, तो वही चीज इनकी चल रही है और ये चलती रहेगी। मोहम्मद शमी को मैंने देखा, एक दो बॉलर और, ये 22-23 साल की उम्र तक ये इंजरी चलती है, क्योंकि आपको थोड़े बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज होता है, रिटायर ना हो जाए उससे पहले, 32-33 साल उम्र से लगे 20 साल टपया नहीं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ, जैसे उन्होंने नसीम की बात की, ये है देखिए, ये तकलीफ सब क्रिकेट देखने वालों को भी है। शुएब मलिक अगर फिट थे उनको खेल लेना चाहिए, अगर हम वहाब को कंसिडर कर सकते थे उनको बुला लेना चाहिए था, एक्सपीरियंस भी होता हमारे पास, साथ ही साथ मुझे लगता है साथ ही साथ हम फिटनेस की भी बात करते। नसीम को मैं इसे नहीं ब्लेम कर सकता, मैं 19 साल का 20 साल का हूं, मुझे मौका मिले पाकिस्तान खेलने के लिए, मेरी कमर टूटी भी हो तो मैं कहूंगा हाँ भाई मैं हाजिर हूँ, मैं खेलूंगा, क्यों नहीं। मैं तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही थी इस मैच के बारे में, हालांकि मैं पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ही क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इतना क्लोज मैच ले गए, क्योंकि मैच उतना क्लोज जाना नहीं चाहिए था। इंडिया बहुत डोमिनेट कर रहा था स्टार्टिंग से ही, लेकिन पता नहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा अपना विकेट फेंक के गए, मुझे ऐसा लगा। हालांकि विराट ने जो पारी खेली लग रहा था कि विराट इज बैक, और बैक हो चुके हैं वो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उन्होंने गलत शॉट खेला। हालांकि मैं उससे कुछ भी मैं दुखी नहीं हूं, आपको भी पता है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर टेस्ट करने के लिए ये प्रेशर वाला मैच बहुत जरूरी था, और इंडिया का मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ। सूर्य कुमार नहीं चले कोई बात नहीं, जडेजा चले, हार्दिक पांड्या चले, डीके को मौका नहीं मिला, तो आप समझ सकते हो इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने ये मैच बनाया। जडेजा आए सेंसिबल, मतलब जडेजा जब आए थे उन्हें हिटिंग करना था, लेकिन एकदम से विराट कोहली आउट हो गए, तो वो फिर सेंसिबल धीरे धीरे बढ़ते रहे कि भाई 10 से ऊपर रन रेट ना जाए, 10 के अंदर रहे। फिर लास्ट आपने देखा कि मैच बन गया था, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने आके एकदम से जो गेम पलट दिया और मैच इंडिया जीत गई, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान की यही बैटिंग रहने वाली है आने वाले वर्ल्ड कप में भी, पाकिस्तान की ये बॉलिंग नहीं रहने वाली। पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी आएंगे और ऑब्वियसली बाकी तो यही रहेंगे। तो भारत के अभी जसप्रीत बुमराह नहीं है, भारत की बॉलिंग जो है भुवनेश्वर कुमार ही शायद इनमें से एक फास्ट बॉलर आगे जाए, जसप्रीत बुमराह
आएंगे और शायद ये सरदार जी ये भी आगे जा सकते हैं। तो भारत तो अभी टेस्ट कर रहा है अपनी टीम में। ऋषभ पंत को बाहर किया, एक बड़ा डिसीजन था ऑब्वियसली। ऋषभ पंत एक ऐसे एक्साइटिंग प्लेयर हैं जो कुछ ना कुछ करके रन बनाते ही हैं, कहीं ना कहीं से शॉट निकालते ही हैं। सूर्य कुमार यादव, मुझे लग रहा था कि उनके ऊपर आज प्रेशर दिख रहा था, क्योंकि वो चाहते तो बॉल को पीछे आगे कहीं पर भी मारते, लेकिन थोड़ा सा सूर्य कुमार यादव लग रहे थे क्योंकि उनको जाना था, लेकिन एकदम से जडेजा आ गए। तो ये प्लेयर के साथ होता है कि प्लेयर को, अगर आप प्लेयर को आपने बोल दिया कि चौथे नंबर पर तुम जाओगे और एकदम से जडेजा आ गया, तो डेफिनेटली सूर्य कुमार के साथ थोड़ा सा सीन क्रिएट हुआ होगा और वो शायद वो उस टच में नहीं दिखे आज। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हुआ। इंडिया का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है जडेजा और हार्दिक पांड्या ने ये फिनिश किया। ये धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे हैं बड़े गेम के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। लेकिन डेफिनेटली आप एज ए इंडियन फैन टेंशन में आए होंगे, जब विराट कोहली आउट हुए थे और सूर्य कुमार आउट हुए थे तब तो डेफिनेटली टेंशन में आए थे। लेकिन मुझे पता था कि ये चार ओवर में 40 बनते हैं और वो हुआ। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लीज कमेंट में अपनी राय दें। 6 तारीख को